कल की 2898 मूवी के ट्रेलर में हमें ये काफी ब्यूटीफुल सा सीन देखने को मिलता है। अब क्या ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 2898 में पानी तो एग्जिस्ट करता नहीं है, पर यहाँ हम पानी को देख सकते हैं। तो क्या ये सच में कॉम्प्लेक्स है? नहीं, असल में ये भैरवा का ड्रीम है, क्योंकि बुज्जी एंड भैरवा में भी हमने देखा था कि भैरवा स्टार्टिंग से ही कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता था। तो यहाँ असल में भैरवा एक सपना देख रहा है, जहाँ वो सपने के अंदर कॉम्प्लेक्स को अपने नजरिए से इमेजिन कर रहा है, और उसी को विजुअली इस ट्रेलर के इस शॉट में दिखाया गया है। और एक मजे की बात बताऊं, इसी ड्रीम सीक्वेंस के अंदर अपने को मूवी का डांस नंबर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों कैरेक्टर्स को जूम करके देखो तो इन दोनों ने रेड आउटफिट पहन रखी है, जो कि एक सीधा कनेक्शन होता है बाहुबली 2 से। अबे साले, अरे मजाक था भाई, मजाक था। एक्चुअली में ये रेड आउटफिट मैच करता है कल्कि सॉन्ग के BTS फोटोज से, जहाँ कल्कि का सॉन्ग जो कि इटली में शूट हुआ था उससे हमें एक BTS फोटो देखने को मिली थी, जहाँ प्रभास एक रेड आउटफिट में थे, एंड वैसा ही कुछ आउटफिट हम इन कैरेक्टर्स में भी देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी ड्रीम सीक्वेंस के अंदर हमें मूवी का डांस नंबर भी देखने को मिलेगा। और ऐसे ही कुछ कमाल की डिटेल्स जो कि मुझे कल्कि के ट्रेलर में मिली, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। और हाँ, कल्कि के ट्रेलर डिटेल्स का ये पार्ट 1 वाला वीडियो होगा, इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा, और अगर कुछ और डिटेल्स मिल जाएगी तो पार्ट 3 भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हो सिनेमा विद अभी। ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें काशी सिटी का एंट्री गेट दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजी काशी सिटी के अंदर एंट्री ले रहे होते हैं। अब एक्चुअली में ये हमारा काशी बनारस का घाट है, जो कि पीछे की बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट से काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है। पर सिंस 2898 AD का टाइम है, तो यहाँ पानी नहीं है, इस वजह से पूरा घाट सूख चुका है और मिट्टी जो है वो रेत में बदल चुकी है। जैसा कि हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि पृथ्वी पर से गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों वापस लौट जाएंगे स्वर्ग में। इसके अलावा आज के समय में भी हम अपने परिवारजनों के गुजर जाने के बाद उनकी अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं, और ऐसा कुछ 2898 AD में पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि पानी नॉर्मल लोगों के लिए उतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है। और इसी वजह से यहाँ के लोगों ने इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी ढूंढ लिया है, जो कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा, इंस्टेंट क्रेमेशन, वो भी 500 यूनिट्स में। अब ये यूनिट्स क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो बुज्जी एंड भैरवा का प्रीलूड देख सकते हो, जो कि एक मस्ट वॉच हो जाता है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें समझाई गई हैं कल्कि के इस यूनिवर्स के बारे में। ट्रेलर के अगले शॉट में हम एक बड़े से जायंट को देख सकते हैं, जो कि अपने हाथों में कुछ लोगों को उठाए हुए है। अब जहां तक मुझे लगता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो बीइंग है, ये कॉम्प्लेक्स की किसी एक स्पेशल जगह पे जाने का इकलौता रास्ता होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने विलेन का पैलेस हो सकता है। तो ये जगह कॉम्प्लेक्स ही है, क्योंकि इसके चारों तरफ वाटरफॉल्स भी दिखाई दे रही हैं, और इसके ठीक ऊपर एक रेड बीम जाती है, जो कि एक स्पेशल टेंपल या फिर कह सकते हो पैलेस की ओर लीड करती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे विलेन का पैलेस हो सकता है। और यहाँ पे जो ये बड़ा सा बीम है, ये एक एलिवेटर का काम कर रहा है, जहाँ ये कॉम्प्लेक्स से लोगों को उठाता है और ऊपर वाले पैलेस पे ड्रॉप करता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बीम का मुंह बंद करके रखा गया है एक रॉड की हेल्प से, जो कि 2898 AD के लोगों को दर्शाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स के लिए सब कुछ तो करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, पर वो उनके अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं बोल सकते। इसके आगे ट्रेलर में हमें ये एक बंदा दिखता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने विलेन के आर्मी का कमांडर होगा। अब ये ट्रेलर के अंदर कुछ लोगों को एड्रेस कर रहा है और अपने मास्टर सुप्रीम यास्किन के बारे में बता रहा है। अब ये जिन लोगों को एड्रेस कर रहा है वो काशी के लोग हैं। यहाँ आप नीचे देख सकते हो कि ये वही नॉर्मल लोग हैं जो काशी में रहते हैं। और साथ ही अगर आप इस सीन के बैकग्राउंड में नोटिस करो तो आपको ये बड़े बड़े पिलर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ट्रेलर के इस वाले सीन में भी हैं। और साथ ही इस सीन में आप कुछ बड़े पत्थर भी नोटिस कर सकते हो, जो कि ट्रेलर के इस वाले सीन में भी है। जिसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली में जो फेंस है ये काशी के लोगों और कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करता है, और मोस्ट प्रोबेबली जब कॉम्प्लेक्स के लोगों को कॉन्टेक्ट करना होता है या कोई अनाउंसमेंट करनी होती है तो वो यहीं पे आके काशी के लोगों से मिलते हैं, जो कि ये बंदा यहाँ पे एड्रेस कर भी रहा है, जहाँ ये अपने मास्टर यास्किन के बारे में बता रहा है। इसके ठीक आगे हमें ट्रेलर में एक बच्चा दिखता है, जो कि अश्वत्थामा से मिलने एक टेंपल के अंदर जाता है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये बच्चा अश्वत्थामा से दूसरी बार मिलने जा रहा है। अभी दूसरी बार ही क्यों, इसके पीछे का रीजन जो है, यानी कि जो मेरी थ्योरी है, वो किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप ये वाला वीडियो 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो आपको यहाँ पे आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये बच्चा, जो कि अश्वत्थामा के पास है। अब एक्चुअली में अश्वत्थामा ने एक अनबॉर्न चाइल्ड को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से श्री कृष्ण क्रोध में आके उनको एक श्राप देते हैं। अब एक्चुअली में ये श्राप होता है इमोर्टैलिटी का, मतलब वो अब मर नहीं सकते जब तक वो अपने कैरेक्टर को रिडीम नहीं करेंगे। इस श्राप के साथ कुछ और चीजें भी थी, जैसे कि उनकी हीलिंग पावर्स चली जाएंगी और उनके साथ कोई रहने से भी डरेगा। और श्री कृष्ण के श्राप के अनुसार अश्वत्थामा को अपना पूरा जीवन अकेले बिताना था। पर यहाँ पे इस टेम्पल में अश्वत्थामा के साथ इस बच्चे का होना ये दर्शाता है कि श्री कृष्ण का श्राप अब बहुत जल्द टूटने वाला है। और इसके ठीक आगे ट्रेलर में अश्वत्थामा का कैरेक्टर ये रिवील भी करता है, आपने अपने घर में एक भगवान को स्थान दिया है,
लेकिन कल्कि अवतार के इस रिवील से पहले कुछ स्पेसिफिक शॉट्स दिखाए जाते हैं जिसके थ्रू 2898 AD के लोगों की होप दिखाई जाती है। जहां सबसे पहले 2898 की इस बंजर धरती पर जहां कोई पानी अवेलेबल नहीं है वहां पे एक पेड़ का उगना एक रोशनी को दिखाता है, साथ ही इस कागज पर माँ का लिखा होना उम्मीद को दर्शाता है। जिसके ठीक बाद हमें ट्रेलर में रिवील किया जाता है कि कल्कि अवतार का जन्म बहुत जल्द होने वाला है। इसके बाद ट्रेलर में इन्हीं सब शॉट्स के बीच में हमें एक धनुष दिखाया जाता है। अब ये धनुष किसका है इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है ये डायलॉग, ये 6000 सालों पहले देखा था, जहाँ ये बताया जाता है कि इस धनुष को आखिरी बार 6000 साल पहले देखा गया था। और अगर सन 2898 से 6000 साल पहले देखा जाए तो वो टाइम होगा 3102 BC का, जो कि हमारे ग्रंथों के हिसाब से 3102 BC में ही महाभारत के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये धनुष भी किसी महाभारत के कैरेक्टर का होगा। तो अगर आपको याद हो तो इस मूवी के डायरेक्टर नागार्जुन ने एक इवेंट में कहा था कि कल्कि 2898 की स्टोरी महाभारत के 6000 साल पहले की कहानी है, यानी कि 2898 AD की, जिस वजह से इस मूवी को इसका टाइटल मिलता है। बेसिकली महाभारत से 6000 साल बाद सन 2898 पड़ेगा, जिसकी वजह से इस मूवी का टाइटल भी कल्कि 2898 AD रखा गया है। यही थी एक छोटी सी वीडियो कल्कि के ट्रेलर के हिडन डिटेल्स के ऊपर। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा, मैंने स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, तो 3-4 दिन में वो पार्ट 2 भी तुमको देखने को मिल जाएगा। तो अगर तुम उसके लिए एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ नया पता चला हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।